Assalamu viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back to another video of Lahore Smart City Walking Tale Episode 16. इस वीडियो में आपको जो लाहौर स्मार्ट सिटी में जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का जो कनेक्टिंग रोड है जिसका नाम है C1 रोड, जिसकी एक्सेस डायरेक्टली पॉसिबल है विद द मेन रिंग रोड, लाहौर रिंग रोड या लाहौर ईस्टर्न बाईपास कह सकते हैं इसको। और इसके साथ लेफ्ट साइड पे आप जब ईस्टर्न बाईपास से आ रहे होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे पूरा ब्लॉक ए का व्यू मिलता है ईस्टर्न बाईपास से, और इस तरफ जीटी रोड की आपको प्रॉपरली एक्सेस मिलती है। अब दोनों साइड से जीटी रोड के एक्सेस पॉइंट पे भी एक लाहौर स्मार्ट सिटी का अपना इंटरचेंज है जिसका अप्रूवल हो चुका है, और दूसरी तरफ लाहौर ईस्टर्न बाईपास के लिए भी सोसाइटी की तरफ से इसका अप्रूवल पुट किया जा चुका है लाहौर ईस्टर्न बाईपास अथॉरिटी को। अब जैसे इसका अप्रूवल होता है तो विद द पैसिव टाइम जैसे डेवलपमेंट होती है तो इंशाल्लाह मैं उस हवाले से आपको अपडेट कर दूंगा। फॉर द टाइम बिंग साइट की डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें तो साइट पर फॉर द टाइम बिंग C1 रोड की मुकम्मल कारपेटिंग एंड टू एंड हो चुकी है, और ये पूरा ए ब्लॉक के साथ एडजस्टेंट साइड पर ये रोड है। और इसके साथ इस तरफ जो प्लॉट्स हैं ये तमाम के तमाम प्लॉट्स एक कनाल पे हैं जिन पे मोस्टली पे आपको विलास वगैरह बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये यहाँ पे एक कनाल के विलास बन रहे हैं, उस साइड आगे वाली साइड पे फैमिली पार्क है, मॉस्क है और विलास हैं। बाकी आज की वीडियो बेसिकली है जो ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली ये है इस ईस्टर्न बाईपास के साथ जो कनेक्टिविटी रोड है C1 रोड उसकी डेवलपमेंट के हवाले से। तो अगर हम साइट की डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें तो आपके सामने इस वक्त C1 रोड की डेवलपमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त साइट पे C1 रोड की डेवलपमेंट 100% कम्प्लीट है, यानी कि ऐसा कोई ड्यू चीज़ नहीं रहती इस डेवलपमेंट में। इसमें जो साइट पर प्लांटेशन वगैरह होनी है और साइट पर जो सीवरेज की पाइपलाइन बिछनी है प्रॉपरली उसकी एक्सेस भी है, जो प्रॉपरली स्ट्रीट लाइट्स लगनी है विद सेंसर लाइट्स, यानी ये ऑटो डिमिंग होंगी और ये स्ट्रीट लाइट्स मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस रोड की C1 रोड की राइट साइड जो है उस तरफ आपको ये ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आएगा। इस ओवरहेड वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 100,000 क्यूबिक फीट, और इस क्यूबिक फीट की यानी गैलन्स की जो कैपेसिटी है ये इन दो ब्लॉक्स के लिए, इन दोनों ब्लॉक्स में ए और बी ब्लॉक में जो रेजिडेंट की कैपेसिटी होगी वो टोटल प्लॉट की कैपेसिटी वो 1600 प्लॉट्स हैं, जिसमें 600 प्लॉट जो हैं वो 10 मरला और कनाल के हैं और बाकी 1000 प्लॉट 5 मरला का जो ब्लॉक बी में आता है। ब्लॉक ए में 600 प्लॉट है सिर्फ, तो इन 600 प्लॉट के लिए अगर हम इस वाटर टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 1,00,000 गैलन की कैपेसिटी होना एक बहुत बड़ी बात है एक तमाम रेजिडेंट्स के लिए। तमाम यहाँ पे वाटर एक्सेस जो होगा, बोरिंग की इजाज़त भी हर इंडिविजुअल जो मेंबर्स यहाँ पर रहेंगे उनको होगी, बट बोरिंग के अलावा यानी कि आप घर में बोर तो कर ही सकते हैं लेकिन इसके अलावा आपको सोसाइटी की तरफ से वाटर सप्लाई जो है वो 24 आवर अवेलेबल होगी। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं तमाम की तमाम अंडरग्राउंड हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस तरफ कुछ आपको लेबर कैंप्स नज़र आ रहे होंगे, ये जो साइट पर कंस्ट्रक्शन हो रही है विलास की ये उसके लिए यहाँ पर लेबर कैंप्स हैं, जो ये वैसे एक कनाल के प्लॉट्स हैं लेकिन जब यहाँ पे लेबर कैंप्स कंप्लीट कर लेंगे इन विलास कंस्ट्रक्शन तो उसके बाद ये कैंप्स खत्म कर दिए जाएंगे। तो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान जी मकदी इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।